दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में भी रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के स्टार किंग खान यानी कि शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान भी हैरान रह गई। रिंकू की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह ने अपने बल्ले की दहाड़ से केवल 6 गेंदों में ही ठोक डाले 36 रन और ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा कर दिया इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य? कैसे रिंकू सिंह ने एक ओवर में ही तबाही मचाकर टीम इंडिया को दिलाई जीत? और क्या कुछ कहा किंग खान शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान? इन दोनों के बयान हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच T20 का दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही मन बना लिया था ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का। मैदान पर उतरते ही यशस्वी जायसवाल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और केवल 25 गेंद खेलकर तूफानी अर्धशतक ठोकते हुए 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर ईशान किशन का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, वो भी बेहद आक्रामक अंदाज में टीम इंडिया को शुरुआत देकर केवल 32 गेंदों में 52 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से 19 ओवर में 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। तब मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए सैन एबट कॉल को रिंकू सिंह ने धो डाला और इस ओवर में रिंकू सिंह ने 25 रन बटोर लिए। पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार चौका जड़ा और फिर तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और चौथी और पांचवी गेंद पर रिंकू सिंह ने बेहद ही खतरनाक अंदाज में 2 चौके जड़े और फिर अंतिम गेंद पर एक ऐसा छक्का जड़ दिया जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक भी हैरान रह गए और इस प्रकार रिंकू सिंह ने 25 रन बटोर लिए। टीम इंडिया के स्कोर को तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 235 रनों तक पहुंचा दिया। रिंकू सिंह ने केवल 9 गेंदों में तूफानी बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए आपको बता दें कि 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और 4 चौकों की मदद से 31 रन बना दिए। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी का नजारा देखकर पूरा हिंदुस्तान हैरान था। हर कोई रिंकू सिंह के कसीदे पढ़ रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी रिंकू रिंकू के नारे लगा रहे थे। वहीं रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक किंग खान यानी कि शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान भी हैरान हो गई, जिसके बाद इन दोनों ने रिंकू सिंह की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। चलिए हम आपको इन दोनों के बयानों को सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने कहा, जस्ट वाओ, मेरे पास शब्द नहीं है रिंकू की तारीफ करने के लिए। जितने आक्रामक अंदाज में उसने बैटिंग की है, सच कहूं तो उसकी बल्लेबाजी ही मैच का टर्निंग पॉइंट रहा है। यदि अंत में उसने इस अंदाज में भारत को 235 रनों तक नहीं पहुंचाया होता तो ऑस्ट्रेलिया ये लक्ष्य भी हासिल कर लेता। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जीत का अंतर केवल रिंकू बना है। वाह रिंकू, आपने सच में सभी का दिल जीत लिया। आप कमाल के थे और आपकी बैटिंग देखकर बेहद खुश हूं। तो वहीं पे उनकी बेटी सुहाना खान की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। रिंकू की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए उन्होंने कहा, मॉडर्न डे क्रिकेट में यदि कोई मेरा सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है तो वो रिंकू सिंह है। मैं ज्यादा क्रिकेट तो नहीं देखती, लेकिन जब भी रिंकू की बैटिंग देखती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। आज भी यदि टीम इंडिया जीती है तो केवल रिंकू की वजह से जीती है। मुझे बहुत मजा आया उनकी बैटिंग देखकर। सच कहूँ तो रिंकू, आप कमाल के खिलाड़ी हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रिंकू सिंह के लिए तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए बाप और बेटी ने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा के साथ हुई फाइनल मैच में बेईमानी को देखकर भड़क उठे वेस्टइंडीज के दिग्गज। फाइनल मैच को दोबारा कराने के लिए किया ICC से अनुरोध। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम की हार के साथ वर्ल्ड कप जीत का सपना भी टूट चुका है। हालांकि मैच में हार के बाद अब रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी का खुलासा सभी के सामने हो चुका है। इस बीच वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी को लेकर बयान दिया और इस दौरान क्रिस गेल से लेकर ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स ने रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी को देखकर ऑस्ट्रेलिया को फटकार लगाने के साथ एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने भारत के साथ हुई बेईमानी को देखकर क्या कहा?
रहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम और रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी के बाद फाइनल मैच दोबारा से होना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वनडे विश्व कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खिलाफ शानदार अंदाज से जीता है, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया, भारत के करोड़ों देशवासियों का दिल टूटा। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम की हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की बेईमानी का खुलासा हुआ। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट देने वाली अंपायरिंग और ऑस्ट्रेलिया की चीटिंग साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान दिया, जिसमें क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैचों में भारतीय टीम को बेशक जीत ना मिली हो, लेकिन वो इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जीत के असली हकदार थे, क्योंकि भारतीय टीम ने लगातार 10 मैच जीते थे और ऐसे में कोई भी टीम लगातार 10 मैच जीतने के बाद चैंपियन बनने से अपने आप को रोक नहीं पाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के साथ इस फाइनल मैच में काफी बड़ी बेईमानी देखने को मिली। अगर रोहित शर्मा को चालाकी के साथ पवेलियन का रास्ता नहीं दिखाया जाता तो रोहित शर्मा अर्धशतक के साथ शतक लगाने के बाद भारत को 400 तक पहुंचाने का काम करते, लेकिन यहां पर उनके साथ हुई बेईमानी के चलते भारत को नुकसान हुआ। तो वहीं ड्वेन ब्रावो ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम को बेईमानी के चलते हार का सामना करना पड़ा है और इस मैच में अगर हेड रोहित शर्मा को गलत तरीके से कैच आउट नहीं करते तो शायद भारतीय टीम का स्कोर कुछ और होता और भारतीय टीम बिना प्रेशर के मैच को आसानी से अपने नाम कर लेती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में रोहित शर्मा के साथ सरेआम बेईमानी को देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मैच में बेईमानी होने का मकसद आईसीसी के नियमों को चरम पर रखने के बराबर है। मैं चाहता हूं कि आईसीसी फाइनल मैच और दोबारा से कराने का बड़ा निर्णय ले। तो वहीं ब्रायन लारा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा, पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था और अंतिम मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके चलते भारत को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने काफी संघर्ष किया और ऑस्ट्रेलिया के बीच को आसानी से जीतने नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के साथ फाइनल मैच में हुई बड़ी बेईमानी को देखकर मुझे लगता है कि आईसीसी को अपने अंपायरिंग में काफी बड़े बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि एक मैच के कारण भारत का दिल टूटा है। तो वहीं विवियन रिचर्ड्स ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा और इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था उसकी तारीफ होनी चाहिए। हालांकि अंतिम मैच में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच को बेईमानी के चलते जीती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के कैच को लेकर हुई बेईमानी से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि आईसीसी कभी भी कोई मैच अपने प्रदर्शन के दम पर नहीं जीत पाती है, बल्कि बेईमानी के चलते मैच को अपने नाम करती है। और ऐसे में आईसीसी से दरख्वास्त मैं करता हूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच दोबारा से कराया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है फाइनल मैच दोबारा से होना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।